हेलो एवरीबॉडी, आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। इंडिया में कॉपीराइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो वर्क है वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी प्रोटेक्टेड है। इंडिया के द्वारा काफ़ी सारे ट्रीटीज़ किए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में, ताकि जो वर्क है उसे ग्लोबली प्रोटेक्ट किया जा सके। टेक्निकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से जो थॉट्स हैं और जो क्रिएटिव वर्क है उसको कम्युनिकेट करना और एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसके साथ ही ये भी ज़रूरी हो गया है कि इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। किसी व्यक्ति का क्रिएटिव वर्क अपनी वैल्यू को रिटेन कर सके, इसलिए यहाँ पे कॉपीराइट प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं वो इंटरनेशनली एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। इंडियाज़ नीड फॉर इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। जो भी क्रिएटिव वर्क्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इंडिया में बाय द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957। इसी की तरह जो बहुत सारे नेशनल कॉपीराइट लॉज हैं वो टेरिटोरियल हैं और नेशनल जुरिस्डिक्शन के बाहर काम नहीं करते हैं। जो कि ये सारे लॉज नेशनल बॉर्डर के बाहर काम नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चनेबल हो जाता है कि क्या जो क्रिएटिव वर्क है वो नेशनल बॉर्डर के बाहर सेफ़ है या नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि अगर कोई इंडियन ऑथर है जिसके द्वारा कोई बुक लिखी गई है, जिसे पब्लिश किया गया है यूके में और जिसे फिर ट्रांसलेट किया गया है स्पेन में, तो यहाँ पर जो ऑथर का क्रिएटिव वर्क है उसे प्रोटेक्शन किस तरह से प्रोवाइड किया जा सकेगा अगर जो लॉज हैं वो नेशनल बॉर्डर तक ही सीमित हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज़। ये जो इशू है हमारे सामने कि जो हमारा लॉ है वो सिर्फ नेशनल बॉर्डर तक काम करता है और इसके बाहर नहीं, इसी इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल ट्रीटीज़ किए जाते हैं। इंडिया ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ करे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो भारतीय क्रिएटिव वर्क है उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। इंडिया काफ़ी सारे ट्रीटीज़ में पार्ट ले चुका है, पर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रीटीज़ हैं वो है बर्न कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स और द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन (UCC). हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। इसे अडॉप्ट किया गया था 1952 में और आज ये स्टैंड करता है एज वन ऑफ द प्रिंसिपल इंटरनेशनल कन्वेंशंस कॉपीराइट प्रोटेक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में। इसे इनिशिएट किया गया था एज अ प्रोजेक्ट बाय यूनेस्को। ये एक ऑल्टरनेटिव था बर्न कन्वेंशन का। बर्न कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 1886 में। बर्न कन्वेंशन धीरे धीरे अपना मोमेंटम खो रहा था और काफ़ी सारे लोग ऐसे थे विश्व में जो कि डिसएग्री कर रहे थे कन्वेंशन के नॉर्म्स के साथ। पर्पस ऑफ यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन एक ऑल्टरनेटिव था बर्न कन्वेंशन का और उसके कुछ पर्पसेस हैं। इसका पर्पस है इस बात को इंश्योर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ पार्ट लें इंटरनेशनल कॉपीराइट कम्युनिटी में। UCC का पर्पस ये भी है कि जब इसे कंपेयर किया जाता है बर्न कन्वेंशन के साथ में, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और ईजियर हो कंप्लाई करने के लिए। ऐसी कंट्रीज़ जो कि अभी भी डेवलपिंग हैं उनके लिए भी UCC से कंप्लायंस आसान हो, ये भी एक UCC का पर्पस है। फीचर्स ऑफ द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। नेशनल ट्रीटमेंट। UCC के द्वारा फॉलो किया जाता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट को, जिसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है फॉरेन वर्क को, अगर जो नेशनल प्रोविजंस हैं उनके साथ कंप्लाई नहीं किया गया है तो। द टर्म ऑफ द वर्क। UCC के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है ओरिजिनल लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क्स को। एक कॉपीराइट नोटिस प्लेस किया जाता है अलॉन्ग साइड द वर्क, जिससे रीजनेबल नोटिस दिया जाता है कॉपीराइट क्लेम का। UCC के प्रोविजंस के अनुसार जो वर्क है वो प्रोटेक्ट किया जाता है ऑथर के लाइफ टाइम के लिए और उसकी डेथ के 25 ईयर्स बाद तक। मिनिमम राइट्स। यूसीसी के प्रोविजंस के अनुसार जो कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें प्रोवाइड करना होगा मिनिमम राइट्स वर्क के ओनर को, वो राइट्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती हैं विद द स्पिरिट ऑफ कन्वेंशन। मेन कंटेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन ऑफ 1952। आर्टिकल 3 क्लॉज 1 ऑफ यूसीसी परमिट करता है फॉर्मेलिटीज़ फॉर फॉरेन वर्क्स को, पर सिर्फ उनको जो कि स्पेसिफाई किए गए हैं प्रोविजंस में। अगर जो कंट्रीज़ हैं वो लिमिटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती हैं जो कि यूसीसी के द्वारा ले डाउन की गई हैं, तो यहाँ पर यूसीसी प्रोटेक्ट करता है उस कंट्री के वर्क को दूसरी कंट्रीज़ में। आर्टिकल 4 ऑफ यूसीसी प्रोवाइड करता है जनरल मिनिमम ड्यूरेशन को जो कि है 25 ईयर्स की, और इसके साथ ही प्रोवाइड करता है अ ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स फोटोग्राफिक वर्क्स के लिए और वर्क्स ऑफ अप्लाइड आर्ट के लिए। यहाँ पर जो ड्यूरेशन प्रोवाइड की गई है 25 ईयर्स की और 10 ईयर्स की, इसे कंप्यूट किया जाएगा आफ्टर द फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ वर्क। अगर बर्नी कन्वेंशन से यूसीसी को कंपेयर किया जाए तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट है उसे ड्राफ्ट किया गया था इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन आफ्टर 1971। 45 ईयर्स के लिए इंटरनेशनल कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके यूसीसी ने अपने पर्पस को फुलफ़िल किया। जो कंट्रीज़ बर्न कन्वेंशन के लिए रेडी नहीं थी उन्होंने यूसीसी को ज्वाइन किया। काफ़ी सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के द्वारा और यूएसए के द्वारा यूसीसी को ज्वाइन किया गया। रशिया एक ऐसी कंट्री थी जो कि इंटरनेशनल कॉपीराइट रिलेशन से दूर थी। रशिया के द्वारा भी यूसीसी को ज्वाइन किया गया एज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन इन 1973। ईयर 2007 में यूसीसी में 100 मेंबर्स थे। हम ये कहकर कंक्लूड कर सकते हैं कि चाहे वो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन हो या फिर बर्न कन्वेंशन हो, ये कन्वेंशंस खुद को रिवाइज करते रहते हैं ताकि टाइम के साथ साथ ये भी चेंज हो सकें। जैसे जैसे डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है और जो बर्न कन्वेंशन है ये अपने आप में चेंजेस लाते रहते हैं। वर्ल्ड में सभी कंट्रीज़ को अपने क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इन कन्वेंशंस की आवश्यकता है। जहाँ पर नेशनल लॉज का जुरिसडिक्शन ख़त्म होता है, वहाँ पर जो क्रिएटिव वर्क है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे कॉपीराइट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये कन्वेंशंस बहुत इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी हैं।